लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां राजधानी के प्रमुख चौराहों पर एलईडी लगाई जाएगी, एलईडी स्क्रीन लगाई जाएगी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एलईडी स्क्रीन्स लगेंगी। एलईडी पर देशभक्ति से ओतप्रोत गीत चलाए जाएंगे। शहर के 75 बाजारों में हर प्रतिष्ठान पर तिरंगा लगेगा। व्यवसायिक प्रतिष्ठान और आवासीय कॉलोनी में भी झंडा लगेगा। हर घर तिरंगा अभियान के तहत ये तिरंगे लगाए जाएंगे। शहर में एलईडी स्क्रीन लगाई जाएंगी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर। स्वतंत्रता दिवस पर एलईडी पर देशभक्ति से ओतप्रोत गीत चलाए जाएंगे। 75 बाजारों में हर प्रतिष्ठान पर तिरंगा लगाया जाएगा। अमरिंदर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस खबर पर और भी हम जानकारी उनसे लेंगे। प्रमुख चौराहों पर जो एलईडी लगाने की जो खबर सामने आई है, अब पूरे तमाम चौराहों पर जो 75 एलईडीज लगाई जाएंगी, इसके पीछे मकसद तो यही कि देशभक्ति के गीत चलाए जाएं, लेकिन कैसे इसे और समझा जाए, हमारे साथ अमरिंदर बने हुए हैं। अमरिंदर, 75 एलईडी लगाई जाएंगे स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, जिस पर स्वतंत्रता से भक्ति देशभक्ति से जुड़े हुए गीत दिखाई देंगे, सुनाई देंगे। जाहिर सी बात है, एलईडी है, क्या कुछ खबर है? जी जी पारुल जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार जो है वो आजादी के अमृत महोत्सव को अलग अंदाज में मनाने के लिए ये कार्य कर रही है। लखनऊ शहर दो भागों में है, ट्रांस गोमती और शीश गोमती, और दोनों भागों के मिला के छोटे बड़े चौराहे लगभग 100 के आसपास हो जाते हैं, जिसमें 75 ऐसे चौराहे हैं जिनको इन्होंने चिन्हित किया है, जिन पे ये एलईडी या अन्य सजावट लगा करके और आजादी के अमृत महोत्सव को, ये हमारा 75वां स्वतंत्रता दिवस है, देश हमारा 75 साल से स्वतंत्र है, इसको हम जश्न के रूप मना रहे हैं, इसके लिए ये किया जा रहा है। और शहर के बाजार छोटे बड़े मिला करके 75 बाजारों में भी एक अलग सजावट तिरंगे झंडों से की जाएगी, वो भी योजना सरकार ने बनाई है। और ये सारी कवायद 7 तारीख से 15 तारीख के बीच जो है इसको अंजाम दिया जाएगा। कुछ जगहों पर 7 तारीख से ही जो है एलईडी स्क्रीन लग जाएंगी, सजावट हो जाएगी, और कुछ जगहों पर यानी 7 से 15 अगस्त तक ये लगातार ये चलता रहेगा, और आगे इसको 21 तक कंटिन्यू रखने की बात कही जा रही है। जी पारुल जी बहुत शुक्रिया। अमरिंदर, अगली खबर पर भी आपसे बात होगी, मैं लौटूंगी आपके पास।